अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सलाला बार्कस मुबारक फंक्शन हॉल में गोल्डन स्टार्स मार्शल आर्ट अकेडमी की जानिब से 3rd ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप सईद बम चैलेंज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम के इंचार्ज अब्दुल्ला बशीर इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे, जो शमा न्यूज के चीफ एडिटर हैं। और इस मौके पर जस्टिस बादशाह नवाज खान फैसल बम यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और दूसरे मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सईद बाम कराटे चैम्पियनशिप 2023 थर्ड, यानी इससे पहले 2021 और 2022, ये 2023 अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह लगातार करते आ रहे हैं। अल्लाह सबसे पहले सईद बाम साहब की मगफिरत फरमाए, जो हमारी बस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनका अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ मैं उनका, जो अल्हम्दुलिल्लाह सईद बाम साहब का बहुत ये बस्ती में बारकस बस्ती में बहुत उनका यानी काफ़ी ताउन था उनका। और मैं उनके तमाम फर्जंदान सऊद बिन सईद बाम साहब और फैसल बिन सईद बाम साहब, जहूर बिन सईद बाम साहब, तैयब बिन सईद बाम साहब, इकबाल बाम, अहमद बाम और तमाम उनके ब्रदर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए काफ़ी जस्तजू करते हैं। और हमारे सीनियर लीडर हमारे तला कसेरी साहब वाकई काफ़ी मेहनत है इनकी। और हमारे अब्दुल्ला बशीर माशाल्लाह जो शमा न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर है और उनके ब्रदर छोटे मुबशिर बशीर माशाल्लाह, ये सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो नौजवान बच्चों में छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो जो शौक़ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे एक गेम बोले तो हम मैदान के तरफ रुख रहता था, लेकिन आज के बच्चे नई नस्ल में हम देख रहे हैं गेम बोले तो फ़ोनों की तरफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जस्तजू देखते हुए बच्चों को गलत शौकों में नहीं जाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाना बोल के ये शौक़ बस्ती में और अतराफ एकनाफ के महल्ले और यहाँ पे आज जो तेलंगाना के तकरीबन ज़िला के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की बच्चों ने, और माशाल्लाह अपने मुजाहरा बता रहे हैं। और हमारे जब्बार साहब, जब्बार भाई भी मेरे साथ हैं, मैं बोलना भूल गया, यूनुस बिनेस साहब, खालिद वहलान साहब, ये सब सारे लोगों का ये ताउन है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लगातार करते हैं। अगर आप लोग का ऐसी ताउन रहा तो हम इंशाल्लाह लगातार करते रहेंगे। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाते रहे थे। और तेलंगाना हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को इसमें जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके लिए कुछ ताउन करिए। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ताउन में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3rd सईद बाम नेशनल ओपन कराटे चैम्पियनशिप जो मुबारक फंक्शन हॉल में चल रही है, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं तमाम बाम ब्रदर्स का और उनके साथ हमारे शमा न्यूज़ के जो टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जिन शख्सियत के बारे में, जिन मरहूम के बारे में आज ये काम चल रहा है, आप यकीन जानिए अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए 92 में एक बहुत बड़ी पीस रैली निकाली थी अमन की, जिसको हिंदुस्तान ने अमन का अवार्ड दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बार्कस का जो ग्रेवयार्ड है 20-24 एकड़ लैंड बार्कस ग्रेवयार्ड को देने वाली शख्सियत का नाम सईद बाम साहब था। उन्होंने जो स्कूल के लिए, आप खैरुल उलूम स्कूल है सबिल खैर के आप सदर थे, स्कूल बनाए, उसके बाद उस वक्त के होम मिनिस्टर जो इंदिरा रेड्डी साहब थे उनसे बात कर जूनियर कॉलेज भी लाए, इसीलिए इनकी दीनी मिल्ली समाजी मजहबी खिदमात को पेश नज़र रखते हुए उनके औलादों को, उनके भाई बेटों को सऊद बिन फैसल बाम साहब, हिंद के श्री पहलवान फैसल बिन सईद बाम साहब, तैयब बाम साहब, याया बाम साहब, इकबाल बाम साहब, जहूर बाम साहब, सऊर बाम साहब,
और आपके अहमद बाम साहब, यूसुफ बाम साहब, दाऊद बाम साहब, यूनुस बाम साहब, सुलेमान बाम साहब, मुस्तफ़ा बाम साहब, तमाम बाम ब्रदर्स के बच्चे, इनके बेटों ने अपने वालिदे महतरम मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए इतना बड़ा इवेंट ये तीसरी साल मनक़द किए, जिसके लिए दिल की गहराइयों से मैं उन तमाम ब्रदर्स का और जिन्होंने इसमें काम किया, अल्लाह सलामत रखे मेरे अहमद कौसादी को, मेरे काउंसलर को, कि इन्होंने बढ़ चढ़ कर शमानी उसके अब्दुल्ला भाई मुबशिर उनके भाई जितने भाई सब जने काम करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उसी लिए फैसल बिन सईद बाम और सऊद बिन सईद बाम साहब किसी मसरूफियत के से नहीं आते थे, लेकिन डायरेक्ट लाइव में इस वक्त दुबई में तमाम हैदराबाद के और हिंदुस्तान के तमाम तेलंगाना के नौजवान फैसल भाई के साथ वहां पर बैठकर दुबई में रात आपका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और फैसल भाई ने उन तमाम पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को लाके पार्टिसिपेट कराए, अपने लड़कियों को लाके पार्टिसिपेट कराए, हमारी ख्वातीन आए, हमारे मेहमान आए, हमारे नौजवान आए, हमारी बस्ती के रियल हीरोज आए, हमारी बस्ती के तमाम कमेटी के लोग आए, हसन सादी साहब है और आपके महमूद बाला महमूद महमूद अवल की साहब है, मोहम्मद बाकरा है, साले बिन चमलान है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।